आ गया हूँ एक बार फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच लेके। तो गाइस आज है T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच, वैसे तो दूसरा मैच है बट हमारे चैनल पर ये पहला मैच है। और भाई T20 वर्ल्ड कप हम कौन सी गेम में खेले ये जानने के लिए हमने सारे मोबाइल के गेम्स खेल डाले, बट एंड में खेलेंगे हम Cricket 24 ही। तो भाई अभी डिसाइडेड नहीं है किस पे खेलना है, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हम यहाँ पर खेल रहे हैं। और यहाँ पे टॉस हम जीत चुके हैं और हमने ले ली है बॉलिंग। तो भाई आपको इंडिया पाकिस्तान की नई जर्सी कैसी लग रही है? मुझे तो एकदम फैंटास्टिक लग रही है। हाँ वो अलग बात है, इंडिया वालों ने जीपीएल से चुरा लिया कंसेप्ट, बट कोई बात नहीं चलता है। और ये पहली बॉल क्या रोका है भाई साहब, आज का मैच देखो तुम लोग से तो जीतेगा इंडिया ही तय है, बट किस तरीके से जीतेगा ये मिस्ट्री है। और ये अगली बॉल भाई पकड़ सारे चौका दे दिया भाई, ये ऐसे खेलोगे क्या बुमराह भाई। और ये भाई पकड़ भाई ये नाइस बॉल है। और ये ओवर की लास्ट बॉल भाई वहां पे फील्डर है पकड़ लेगा, पकड़ अबे यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है यार, एक भी गलती हमको चाहिए नहीं, गलती से अगर हार भी गए ना तो भाई बहुत बेइज्जती होगी भाई, हमारी मेहनत तो कुछ नहीं है। ओ भाई क्या कट लगा है, वाह भाई काश ये थोड़ा सा आगे खड़ा होता फिर तो विकेट ही होती। और ये अगली बॉल, अरे भाई ये सांप जैसा बॉल कहाँ पे जा रहा है। और भाई ये अगली बॉल, और ये पकड़। ओके नाइस ओवर भाई, सिर्फ 6 रन दिए हमारे सिराज ने। अगला है हमारा कुलदीप यादव, स्क्वाड का इकलौता बंदा, क्योंकि बाकी के दो बंदे तो स्क्वाड में थे भी नहीं जिन लोग अभी तक बॉलिंग कर रहे थे। चल भाई तू स्क्वाड का है तो तेरे को कुछ अच्छा ही सोच के स्क्वाड में लिया होगा, अब चल दिखा अपना जादू कुलदीप यादव। सही बॉलिंग करता है, ऐसे थोड़ी इसको स्क्वाड में लिया है। अबे कौन लिया है इसको स्क्वाड में, रोहित शर्मा मोटा भाई कुछ करो यार, देखो ना क्या चल रहा है भाई, 26 रन मिल गए हैं भाई, वैसे बैटिंग हमारी वीक है। अबे वीक है बैटिंग यार, चौका भाई। बाय द वे तुम लोग ये स्टेडियम नोटिस कर रहे हो क्या, कौन सा स्टेडियम है? देखो भाई जिस स्टेडियम में ये मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, न्यूयॉर्क का वो स्टेडियम है, और मुझे गेम में मिला ही नहीं, इसके लिए मैंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे डाल दिया। और ये ए या बी दबाओ, क्या दबाओ भाई बी, अरे यार ए दबा दिया मैंने गलती से, अगर मैं बी दबाया। एक सेकंड भाई, रियान पराग पाकिस्तान की टीम में क्या कर रहा है, बम्मा भाई पे आ जाऊंगा मैं। अगला ओवर दे रहे हैं मुकेश कुमार को, क्यों दे दिया इसको ये ओवर, क्या रोका है। वाह भाई ये चौथा ओवर भी ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, एक भी विकेट आएगी कि नहीं। ओ भाई पकड़ ले और जगह पे, अरे भाई ये विकेट कैसे भाई, एक सेकेंड यार ये रिप्ले तो मेरे को भी देखने का है भाई, वाह एक्चुअली में हुआ क्या वहां पे। भाई बॉल वहां पे गई, फिर हमारे फील्डर ने बॉल फेंकी और सीधा डायरेक्ट हिट। अच्छा बेटा एक रन भाग चुका था, उसके बाद भी दूसरी रन लेने भागा था, गो बैक टू पवेलियन मोहम्मद रिजवान। ओके बाबर आजम कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इज कमिंग भाई, अच्छा हुआ एक विकेट भी चली गई हमारी और हमें बाबर आजम भी खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है भाई, ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स तो खेलने चाहिए। और भाई ये अगला ओवर अक्षर पटेल का, भाई क्या है ये, क्या था भाई। और फिर से अगली बॉल भाई वहां पे क्या है, अरे फील्डर है, रोम रोम भाइयों भाई ये तो मेरे को, मैंने चौका एक्सपेक्ट किया था। वाओ यार क्या बॉलिंग कर रहा है, एकदम डरा के रखा है इन लोग को। कम ऑन तीसरी बॉल भाई, ओ भाई एकदम मैच के ऊपर चौका, फिर से रोका। वाओ यार भाई अभी तक सिर्फ एक रन दिया है पूरे ओवर में, सॉरी दो रन, बट सारे के सारे ऑलमोस्ट डॉट बॉल ही है। और ये चला हग दिया, इतनी तारीफ की तेरी लास्ट के, भाई अभी एक बॉल बाकी है, रोहित शर्मा विकेट निकालेगा एक, कम ऑन भाई इनिंग की आखिरी बॉल, क्या बोलते क्या जाएगा ये भाई, विकेट है क्या नहीं है, जितनी तारीफ की थी इसकी पूरे ओवर में सारी वापिस लेता हूँ, लास्ट के दो बॉल में इसने ठोक पीक के बराबर कर दिया है भाई रोहित शर्मा भाई, तो बोले जाने दो अब क्या करने का। तो भाई अब हमारी टीम इंडिया के बैटिंग की बारी है, रोहित शर्मा तो ठीक है आए, ये विराट कोहली की जगह पे ईशान किशन क्या कर रहा है भाई, जर्सी तो सही है बट पूरे स्क्वाड की वाट लगा दी है। ओ पहला बॉल भाई,
एक सेकंड भाई, ये क्या हुआ भाई? वैसे तो ये लाल वाली बॉल में कभी खेल नहीं पाता, बट आज मैंने इसको सीधा चौके में तब्दील कर दिया। आजा अफरीदी। भाई रोहित शर्मा देखो आज अब कप्तानी वाली पारी खेलेगा, क्योंकि विराट कोहली है नहीं अभी गेम में, तो रोहित शर्मा पे ही सारी आंखें टिकी हुई है सबकी। ओके भाई ये तो पकड़ लेगा, बट इतने में अपन दो रन भी भाग लेगा। यस, क्या खेल रहे हो रोहित शर्मा भाई, ऐसे खेलते रहो भाई। रोहित शर्मा तो अच्छा खेलेगा ही, बिकॉज लास्ट वर्ल्ड कप हम लोग सीधा फाइनल में आके हारे थे पूरा टूर्नामेंट जीतने के बाद, तो ये वर्ल्ड कप तो भाई कहीं नहीं गया है हमारे हाथ से। तो भाई ये ओवर की आखिरी बॉल, ये भी रोहित शर्मा ने पहुंचाई छक्के के साथ स्टेडियम पार। भाई अभी सेम चीज जो रोहित शर्मा कर रहा था अभी वही बाबर आजम कर रहे हैं भाई। ये लोग तो वीडियो को लाइक करने बोल रहे हैं, भाई वीडियो को लाइक करो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी। तो भाई अब ईशान किशन की बैटिंग चल रही है यहाँ पे। ओ भाई, अरे यार क्यों, अबे गधे, विराट कोहली की जगह तो ले ली बट उसकी जगह तू कभी नहीं ले पाएगा। भाई क्या बोला है मैंने, एकदम डीप मीनिंग बोला है, समझने वाले समझ गए, ना समझने वाले उल्लू के पट्टे। भाई अब किसको उतारू, हार्दिक पांड्या। भाई ये हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का साथ कहीं नहीं छूटने वाला है भाई, हर जगह हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के पीछे पीछे आने वाला है। बट भाई हार्दिक पांड्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज उनके र्यूमर्स तो सबको पता ही होंगे, 70% प्रॉपर्टी वाले भाई, बट आज 100% गेम खेल के दिखाएगा हार्दिक पांड्या सबको। कम ऑन हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या। भाई बाबर आजम कितनी भी फील्ड सेट कर ले, आज तो कुंफू पांड्या अपना कुंफू दिखा के रहेगा। और ये अगली बॉल, ये तो छक्का है, ओ सॉरी चौका है भाई, सिर्फ ऐसे टच किया यार। भाई हार्दिक पांड्या के चेहरे पे आज एग्रेशन दिख रहा है हम लोग को। और ये भाई एक रन भाग लिया, अरे भाई ये रोहित इतना लेट, अरे यार ये हार्दिक पांड्या इतना आगे तक भाग गया था, अभी तक रोहित शर्मा सिर्फ स्टार्ट ही कर रहा था, भाई ऐसे कैसे चलेगा रोहित भाई। भाई दो विकेट हमारी जा चुकी है, तो भाई अब सब कुछ आ चुका है हमारे हार्दिक पांड्या के पास एक बार फिर से। और ये भाई ये छक्का है, चौका है, छक्का है, चौका है, चौका है। और ये अगली बॉल, भाई फिर से भागेगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं भागेगा, नहीं भागेगा भाई, ये रन आउट का भाई हर बार मैं रन आउट के टाइम पे वही गलती करता हूँ और हर बार आउट होता हूँ, बट कभी कभी बच भी जाता हूँ ऐसे। भाई इस ओवर में तो खत्म हो जाना चाहिए यार, कितना टारगेट था बाय द वे, भाई 50 के ऊपर तो शायद मैं गया नहीं था। और ये छक्के के साथ होते हैं हमारे 48, इसका मतलब कितने रन बचे, या तो यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए या तो अगले ओवर में जाना चाहिए। अगले ओवर में तो मेरे को नहीं लगता हम लोग जाएंगे, बिकॉज आए ये कौन है भाई, अबरार अहमद। भाई ये चश्मा पहन के क्यों आया है, भाई चश्मा पहन के आज तक मैंने किसी को क्रिकेट खेलते नहीं देखा। अगली बॉल भाई मार दे छक्का, 30 छक्के के साथ तो मैच खत्म ही है भाई, जो भी हो जाएंगे। इंडिया 1/3 विकेट्स, यस ये ऋषभ पंत है जिसने जीता है, बाय द वे पूरे स्क्वाड की ऐसी की तैसी है, बट नो मैटर इंडिया जीत गई, दैट्स मैटर। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी और T20 वर्ल्ड कप के मैचेस आने बाकी है।